नांदेड शहर के जोन नंबर 11 लक्ष्मी नगर इलाके में घरों के अतराफ फैली गंदगी से लोग शदीद परेशान हैं। नालियों और सड़कों की खस्ता हालत और वक्त पर कचरा ना उठाने से बच्चों की सेहत पर मुजीर असरात पड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से इलाके के लोग इस मसाइल से दोचार हैं, इसके बावजूद अब भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं। मच्छर बहुत सता रहे हमारे को, भला हमारे बच्चे बहुत बीमार रह रहे हैं। नाली नहीं है, कुछ नहीं है, नालियाँ नहीं है। गरीब इंसान कहाँ से लाएंगे इतने पैसे दवा खानों को, कितना करेंगे? कोई आता कि नहीं साफ सफाई के लिए? कोई कोई नहीं आता, कोई ऐसा पूछने को नहीं आता। खाली बोल के गए आधे नाले बनाए, आधे छोड़ दिए। बनाएंगे बोले मुरुम डाल के देंगे, बोले वो भी नहीं दिए। पीने का पानी तो पीला जरा आता। हाँ, पहली बात तो नली नहीं है हमारे गली में, उधर से एक गली में है तो उसमें भी पीला आता। बस चिक्कड़ में छे, हम ऐसा समझो चिक्कड़ में है। बुरे जानवर सताते, बहुत बुरी जिंदगी, बहुत बुरी है। बहुत बीमार बच्चे पड़े, बच्चे चालू चले बीमार पड़ना। बच्चे बीमार पड़ रहे बोल के तो उसके ऐसे तकलीफ है हमारे, दूसरी क्या तकलीफ है। हाँ, यहाँ पर हम लक्ष्मी नगर में रहते ना, यहाँ पर हमको इतनी तकलीफ है। ये शुरू से ही काम गलत हुए हुआ है, नालियाँ पूरे गलत बने हुए है। नालियाँ गलत बनी हुई होने की वजह से अभी तो ये तो पुल का ऐसा हाल है। हमारे आगे 2 साल हो गई, यही हाल है। मगर जो है तो ऐसा नाली में मेरे बच्चे 2-4 बार नाली में गिर गए, पुल टूटने की वजह। हाँ, हमने बीच में बनाए थे वो खुद के। हाँ, बनाए थे हमने खुद के पैसों से, खुद के सीमेंट ला के करके। हाँ, थोड़ा था तो हम रिपेयर करे थे वो। ये देखो नाली के ऊपर टिब्बा बना हुआ है, ये टिब्बा बेमतलब का है। सीधे पूरे काम गलत हुए है यहाँ पर, तो इस वजह से हमको बहुत तकलीफ है। ये नाली के गंदगी की वजह से हमारे घरों में मच्छर आते हैं, काटते हैं, हमें बीमारियाँ होती है, बच्चों को बीमारियाँ होती है, बहुत सारी तकलीफ है हमें। और ये रोड देखो किस तरीके का बना हुआ है, रोड गलत, नाली गलत, हर चीज़ गलत। यहाँ कोई देखने को तैयार नहीं। नाली नाली का बहाव भी उल्टा है, नाली इधर जाना चाहिए तो इधर उल्टी है, उल्टा पानी आके इधर ऐसा आता पूरा पानी। बरसात में पानी, बरसात में तो पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये टिब्बा बनाए पानी बाहर कहाँ से निकलेगा, उल्टा और पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, यहाँ तक कि घुटनों उतना पानी जमा हो जाता है। नवर से के पास हम नहीं जाते, नहीं जाते। वो क्या है, हमारे हम नहीं जाते नगर सेवक के पास। नगर सेवक को बोल के कोई मतलब नहीं, बोलने वाले बोल रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर पालिका वाले से मेरी गुजारिश है कि वो आए और पानी का मायना करे। जिस वक्त उन नल खोलता है, पहली फुर्सत में नल खोलता है उन्हें, तो उस नल को आके पानी चेक करो। इतना पानी गंदा आता है कि नाली का पानी साफ है उस पानी के सामने। टेनिस यहाँ पर हर मकान के अंदर गड़ा खोदा है। जो आदमी जिस घर में संडास करता है उसका घर का पानी उसी टेनिस में जमा होता है। ये टेनिस लेन बनाने के बावजूद क्यों चालू नहीं की गई, और ये है तो बिल्कुल बेकार नाकारा है। और यहाँ पर रोड नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही भाई? शेर अली साहब को बोले, हमने सबको बोले, पानी के लिए बहुत परेशान भाई। हवा हाउस बोर्ड खाली मसले हल करते बोले, कुछ भी नहीं। हारे चल जा रहे हो ना, ये रोड नहीं है, नाली है, टेनिस लाइन नहीं। हाँ, अभी 2 महीने पहले आके छोड़े थे कि मस्जिद के पास की नाली बनाई, चल गए वैसी। बाद में बोले बनाते, बोले नाली का वो वहाँ से जोड़ते, बोले वहाँ के वो डिपो के पास से जोड़े नहीं, कुछ भी। शेर अली साहब ही चाहे थे खाली, कोई भी नहीं आए। 1 फीट की नाली थी पहले, अभी 3 फीट की नाली बनाए। बाजू में चबूतरा है, चबूतरा और वो टाकी डाल दी बाहर पानी की। हमारे को जाने आने तो बहुत मुश्किल हो रही है, और वो नाली में गिरने का डर है। तो नालियों का क्या है, सुलूप नहीं है बनी हुई? सुलूप नहीं है, नाली 1 फीट की थी, अब 3 फीट की बना दिए। वहाँ से जा नहीं सकते, इधर से चबूतरा बना दिए, इन्हें टाकी डाल दिए पानी की। हाँ, तो नहीं हुआ ना वो। हाँ, ये दबा दिए हमारे नगर सेवक क्या उनके कार्यकर्ता है वो, जो भी काम करा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जो चबूतरा है कि नहीं, चबूतरा जो बनाया रोड पे, वो कार्यकर्ता है। अच्छा, उसका चबूतरा की तकलीफ हो रही? हाँ, तकलीफ हो रही है हमारे को, नाली में गिरने का डर है, आप देखो ना वो।